नदी का जो ऊपर से आ रहा है। किस तरीके से बाइक इस पानी में से स्ट्रगल करके वो ले जा रहे हैं ऊपर ऊपर जाने। एक्चुअली रोड की कंडीशन बहुत बैड है और इनको बाइक यहाँ पे नहीं लाना चाहिए, लेकिन पता नहीं। अभी मैं टिकट निकालने के लिए टिकट रेलवे स्टेशन जहाँ से टिकट निकालते हैं ट्रेन। इसके बाद जो विरार की ट्रेन है विरार ट्रेन के लिए, ये हमारी विरार की ट्रेन आ गई है। अभी इस ट्रेन में बैठ के हम डायरेक्ट नायगांव उतर। तो अभी हम लोग धीरे धीरे नायगांव स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और मुझे लगता है लगभग 10 से 15 मिनट में हम लोग नायगांव स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो हमारा स्टेशन आ गया है नायगांव, अभी हम लोग उतरने वाले हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी हम लोग नायगांव स्टेशन पहुंच रहे हैं और यहां से हम कुंभारेश्वर के लिए जाएंगे। मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी है, तुमका नाम सुना? संतोष। मेरे फ्रेंड संतोष है, नाम सर महेश और ये साक्षी और ये आप हर वक्त देखते हैं। तो नायगांव में उतरे थे, नायगांव ईस्ट में जाना है और वहां से रिक्शा पकड़नी है। हम लोग नायगांव ईस्ट स्टेशन घर के बाहर आ गए, रिक्शा पकड़ लिया। यहाँ से हम लोग सीधा बाहर जा रहे हैं। आज नागपंचमी है तो सामने ये नाग रखे, इनको दूध पिला के यहाँ पे पैसे डालने होंगे, लेकिन नाग प्लास्टिक के ओरिजिनल नहीं है। भाई साहब ओरिजिनल किधर है? अभी हम लोग यहाँ से नायगांव ईस्ट से हाईवे तक जाएंगे, फिर हाईवे से वहाँ से हमें अलग से रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। चलो नीचे बसो ना। सब लोग हम लोग इसके अंदर फिट आ गए हैं और अभी हाईवे पर जाएंगे, फिर वहाँ से नायगांव फाटक के पास पहुँच गए। हाईवे पे पहुंच गए नायगांव स्टेशन से और अभी यहां से भी हमको दूसरी रिक्शा पकड़नी पड़ेगी तुंगारेश्वर फाटा के लिए, तुंगारेश्वर फाटक। ये है नायगांव हाईवे। कुठे है पण रिक्शा वाला कुठे? संतोष और हे जण होगा महेश। संतोष और महेश दोनों मेरे साथ है, चाइना और उसकी फ्रेंड साक्षी फ्रेश होने गए हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे रिक्शा के लिए या कोई दूसरी व्हीकल के लिए रुके जिससे हम तुंगारेश्वर फाटा तक जाए, फिर वहाँ से तुंगारेश्वर मंदिर। तो अभी हम लोग को रिक्शा मिली है तुंगारेश्वर फाटे तक, फिर वहाँ से हम लोग को दूसरा रिक्शा या व्हीकल करना होगा ऊपर पहाड़ी पे। मंदिर है, मंदिर पहाड़ी पे है ना, डोंगरावर है ना? महाराष्ट्र है तुम्ही? यूपी वाला पण महाराष्ट्र बोलतो। रिक्शावाले अपने यूपीवाले पण चांगले मराठी बोलतात। और अभी हम लोग जो है क्लाइमेट का मजा ले रहे हैं, इतना कुछ बारिश तो नहीं हो रही है। हाँ अभी हम लोग रिक्शा से उतर चुके हैं और एंट्री गेट है। समोर गेट है तुंगारेश्वर मंदिर का।
सीधा हमको अभी चलते हुए जाना है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से कम आधे से एक घंटा हम लोग को चलना है अभी ऊपर। देखते आगे से रिक्शा मिलती है तो रिक्शा में जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। अभी हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और इस रोड से हम लोग सीधा ऊपर जाना है। फुल जाम है और तो वाटर लॉगिंग भी है। और ये मिनी तालाब है सामने। सीधा जाना है। बड़ी बड़ी एरिया है पूरा और यहाँ से हमको ऊपर चढ़ के जाना है। बहुत ही खतरनाक पोजीशन है रोड की, पूरा वाटर लॉगिंग है, पूरा मड़ी है एकदम। काफ़ी लोग ऊपर तुंगारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए हैं और काफ़ी हमने नीचे पूछा कि वो इंक्वायरी की ऊपर भीड़ होगा कि नहीं, तो काफ़ी भीड़ है ऊपर। इतनी भीड़ है आज। झरना है इधर आगे रोड से जाना नहीं जाता है। होते हुए ऊपर से जाना, झरना वहाँ से चालू होता है। एक्चुअली झरना नहीं, ये छोटी सी नदी है। झरना है और झरना नहीं, छोटी सी नदी है, वहाँ से चालू होती है। उसके ऊपर से होते हुए वहाँ पे स्टॉप हो गया है। हमको यहाँ से आगे बढ़ना है। काफ़ी खड्डे हैं रास्ते, रास्ता काफ़ी कच्चा है मंदिर में जाने के लिए। जो रास्ता जाता है काफ़ी कच्चा रास्ता है, जंगल एरिया है, इसके कारण ये डेवलप नहीं हुआ है। नागपंचमी का भी त्यौहार है तो इसके कारण जो है काफ़ी जो शंकर जी के भक्त हैं वो नागपंचमी के सेलिब्रेट करने के लिए ऊपर मंदिर में जा रहे हैं। और रोड की कंडीशन भी बहुत बैड है, पूरे खड्डे हैं और पूरा मड़ी, बहुत ही संभाल के चलना पड़ रहा है। एक छोटी सी नदी है और पानी वहाँ से आ रहा है बह के नदी में और वहाँ तक जा रहा है, तो हम लोग अभी इसको पार करके जाना पड़ेगा उसको। घुटने तक का पानी है, बट तिकड़ून भी रास्ते तुम पानी कमी है और वहाँ तक बह के जा रहे हैं। काफ़ी नेचुरल जगह है। हाँ, ये नदी का नेचुरल फ्लो है, इसमें से हम लोग जा रहे हैं पानी बह के। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, नेशनल फ्लैग। पार कर रहे हैं, ज़्यादा यहाँ से पानी नहीं है, संभव यार। अरे सीधा कहना मतलब संतोष किधर है? संतोष और हम लोग ने ये नदी पार कर ली है, ये बहुत गहरी नदी थी और तैरने में हम लोगों को काफ़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी यार। इतने वो इस तरीके से बाइक इस पानी में से स्ट्रगल करके वो ले जा रहे ऊपर ऊपर जाने। एक्चुअली रोड की कंडीशन बहुत बैड है और उनको बाइक यहाँ पे नहीं लाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो तो ऊपर बाइक लेके जा रहे और इस पानी में से उनको लेके जाना पड़ रहा है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है, पता नहीं
ये छोटी सी एक्टिवा ये पता ना फंस गई है, बंद गिर गई है। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको बाहर निकालने। मंकीज ऑन द ट्री, काफी बंदर नजर आए सामने। पूरा वो झाड़ पे काफी बंदर है ऊपर, काफी सामने भी दिख रहा है देखो। सामने उधर ही है ना, उड़ना क्या बोलते रे? काफी बंदर है ऊपर झाड़ पे। सामने बोर्ड लिखा हुआ है श्री शेषनाग मंदिर, ये संपत्ति तुंगेश्वर मंदिर देवस्थान। भी है बहुत मंकी है यहाँ पे, क्योंकि जंगल एरिया ऑब्वियसली जंगल है, झाड़ काफ़ी है तो काफ़ी जानवर होंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत में मंकी देखने गए और यहाँ पर झाड़ के भी नीचे शायद कुछ खा रहा है। हमने वहाँ पे उसकी काफ़ी रखी है, देखते वो आके खाता है। लेकिन काफ़ी दूसरी चीज़ें भी पड़ी हुई है तो वो भी खा रहा है। संतोष काकड़ी खा रहा है, भूख लगी है। लेकिन अभी साक्षी मैंगोज ये शैला ने भी काकड़ी खाई। सामने इस मंकी है देखो, खा रहा है शायद कुछ खा रहा है वहाँ पे। और वो इस ट्री से आया, झाड़ से नीचे आके यहाँ पे गया था। खाने में बहुत बिजी है वो, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे काकड़ी रखी। लेकिन वो काकड़ी नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, मैंगोज है शायद। ए जास्ती जवळ जाऊ नको तसा, ते टाकून दे तिकडे। और ये मैंगो शायद उसको मैंगो पसंद है, काकड़ी नहीं। एकदम स्टाइल में बैठते हैं और हमको अभी सीधा यहाँ से सीधा जाना है। 1 किलोमीटर पे है मंदिर। खाने के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, काकड़ी है और ये स्नैक्स है, मैंगो पापड़ी, मैंगो कट करके यहाँ पे रखा हुआ है। इमली है, ये इमली है ना, हाँ सामने इमली है। एक्चुअली झरना नहीं बोल सकते, वाटर फ्लो है, ये नदी है, रिवर। ए थाम, कैसे दे बुट्टा भैया ये? से आ रहा है संतोष जाए से साक्षी अंतर जाया। काफी अच्छा फ्लो है जो नीचे तक जा रहा है, रिवर है ये नदी। चढ़ान चालू हुई है और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी हो रही है। शैला ने कपड़े लाए, यहाँ ऐसे सुना था कि झरने नहाने के लिए, तो हम लोग कपड़ा टॉवेल सब कुछ लाया हुआ है। झरना तो है लेकिन उधर बोर्ड लिखा है इट इज़ डेंजरस टू गो इन साइड, सोच समझ के जाना होगा। खड़ी
पहले अभी आपको बताया था कि ये नागपंचमी का त्यौहार है और ऊपर शेषनाग का मंदिर होने के कारण काफ़ी भक्त जो है ऊपर जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए, और उसके साथ ही भोलेनाथ का भी मंदिर है। भाई साहब कहाँ है ये? पहले कहाँ बोला? कंदमूल कसे जिले? 20 चार पीस ये खाए थे तुम्हारा होगा ना कंदमूल, कभी खा ले गए? कंदमूल 20 रुपये का 4 पीस है, हम लोग ने कभी खाए नहीं इसलिए हम ट्राई नहीं कर रहे। मैंने साक्षी और शैला को पूछा तो उन लोगों ने भी इनकार कर दिया खाने की, रिस्क नहीं लेना चाहते हो। ये चला पूरा ऊपर तक चढ़ाई है, मेरे हिसाब से 10-15 मिनट और हम लोग को चढ़ना पड़ेगा, अभी से ही थक के नहीं चलेगा। संतोष बकाया बोलते हैं, क्या बोले संतोष? शुगर कमी होते हैं अच्छा अभी। हाँ हाँ तुम्हारा शुगर है ना? हाँ चलना, जिनको डायबिटीज़ है चलना बहुत ही उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद है ना? साल भर का शुगर आज ही कम किया है। साल भर का शुगर नहीं बोल सकते लेकिन महीने भर का शुगर उनका कम हो जाएगा। काफ़ी अच्छी वर्डिंग लिखी है, ओम श्री तुंगारेश्वर महादेव नमः। ऊपर से झरना आ रहा है, झरना यानी पानी का फ्लो, और सीधा यहाँ से नीचे। अभी तो बारिश कम होने के कारण पानी का इतना फ्लो नहीं है, लेकिन बरसात ज़ोरदार हो जाए ना तो ऊपर से काफ़ी बड़ा फ्लो नीचे आएगा यहाँ से, और काफ़ी लोग इस छोटे से वाटरफॉल या वाटर फ्लो का जो है मज़ा ले रहे हैं। और अभी हमको ऊपर जाना है, अभी हम लोग ने अपने पैर जो गंदे हो गए थे वो वॉश कर लिए हैं। काफ़ी घना जंगल है अंदर, बहुत झाड़ है, पूरा ग्रीनरी है। अच्छा सांप बिच्छू अन्य जीव जंतु रास्ते में जा रहे हो तो उन्हें कृपया करके नुकसान न पहुँचाए, यानी जंगल में सांप बिच्छू सावधान।